अगर फैमिली के साथ आउटिंग में कहीं वाटर पार्क या पास ही में कहीं पिकनिक स्पॉट में अगर आप घूमने जाओगे तो आप लोगों को क्या क्या लेने की जरूरत है मैं बताती हूँ। फ्रूट्स, यानी कि बच्चे और बड़े भी खा सकेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट थेयंग के खेलने के समान, क्योंकि बच्चे खुश तो बड़े भी खुश। जमीन में बैठने के लिए प्लास्टिक मैट, एयर पंप, स्विमिंग स्टफ इसे फुलाने के लिए, म्यूजिक बॉक्स, उसके बाद इस तरफ थेयंग का स्विमिंग सूट, हम सब लोगों का स्विमिंग सूट और एक्स्ट्रा कपड़ा, थेयंग अभी से लग गए खेलने। वो एक एक करके अपनी टॉयज को चेक कर रहे हैं। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका लोकेशन दूर है तो जरूर ब्रेकफास्ट करना है घर से। इस तरफ मेरे हस्बैंड पूरे जोश में हैं। ये सब किस लिए? ये सब आउटिंग के लिए है। हम लोगों के साथ आउटिंग में ज्वाइन करेंगे मुकरंग, राजेश और भी बहुत सारे लोग हैं, चारने, रीता, मम्मी यानी कि पाई, दीफू से आए हैं सब। सुबह के 10 बज गए हम लोगों के निकलने में, क्योंकि हम लोगों ने खाने का सामान घर से ही बनाकर ले गए, ताकि वहां बिंदास सब एंजॉय कर सके। जी हाँ, हम सब जा रहे हैं फैमिली आउटिंग के लिए कोका, जो कि वेस्ट कार्बियांगलंग में है। कोका एक तरफ से देखा जाए तो कोका पैराडाइज ऑफ कार्बियांगलंग भी कहना गलत नहीं होगा, जो कि हम लोग होजाई में हैं। तो हमारी जर्नी होजाई से स्टार्ट होकर लंका, फिर खेरोनी, और खेरोनी से 18 किलोमीटर जाकर आपका पहुंचता है कोका। होजाई से आपका 52 किलोमीटर यानी 1 आवर 51 मिनट। ये हमारे पिछले साल के कुछ फोटोज। तो चलिए आज के जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज के जर्नी में हम लोग के साथ साथ देंगे दोंका से निनी और लोखाई, और दीफू से तेरांग फैमिली यानी मम्मी के फैमिली, मतलब मेरी फैमिली। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, लंका तूनो गांव बाईपास नेशनल हाईवे में आप अगर सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, रॉन्ग डायरेक्शन से व्हीकल्स का आना नॉर्मल है। सो दिस इज लंका बाईपास। हम लोग पहुंच गए लंका, फिर हम लोग राइट टर्न लेंगे। लंका टाउन से कुछ दूर जाकर खेरोनी चारियाली, लेकिन आपको सीधा नहीं जाना है, आपको राइट की तरफ मोड़ना है। शिव मंदिर के लेफ्ट आपका हाफलोंग रोड, उसके बाद राइट यानी कि इस तरफ कोका रोड।
फाइनली हम लोग पहुंच गए खेरोनी। बस कुछ ही दूरी पर है कोका पिकनिक स्पॉट। ये आमरिंग ब्रिज है, ये टूटा फूटा ब्रिज और ये पानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये 30 साल पहले इसी जगह में मेरे पापा के फोटो, वही पानी, वही ब्रिज। मिस यू पापा, वी ऑलवेज लव यू। काय के ता अंगसोंग पेन आ हिरजुत में लापेन जाकोंग ना बिदुन वेरनो। मिस यू पापा। लंबे सफर के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए कोका वेस्ट कार्बियांगलंग पिकनिक स्पॉट। Hello. Unloading. आज हम लोग कहाँ पे है? कोका सर्पु। कोका क्या के लिए फेमस है? It's a tourist spot. It's known as the Niagara Fall of Assam. But what happened? Hello. Hello. आज पानी ब्लू नहीं, ब्राउन हो गया। लगता है कल रात को बारिश दिया था बहुत जोर से, इसलिए पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, वरना ये ब्लू कलर का होता है। हम लोग हर साल इसी समय पर ही घूमने आते हैं पिकनिक सीजन के पहले, रिलैक्स करने आते हैं पूरे फैमिली के साथ पिकनिक सीजन के समय, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने यहाँ बहुत ही भीड़ होते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करने के जगह तक भी नहीं होते। सब लोग अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कोई फोटो शूट कर रहे हैं और कोई पानी खेल रहे हैं। हम लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना हो ले, लेकिन हफ्ते में एक बार फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालना है। इस तरफ ऑंग ऑंग मुकरांग थे अंग के लिए स्विमिंग पूल रेडी कर रहे हैं ताकि थे अंग इसमें खेल सके।
Fukuoka. The picnic spot of Caribbean Angong. पेट पूजा के बाद यानी कि लंच के बाद अब होगा फैमिली फोटोशूट। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्यार बांटते रहिए। खुद जियो औरों को भी जीने दो। आप सभी को हमारे मिक्सिक फैमिली की तरफ से कार्डम।